रिज्यूवेनेटिंग फूड सीरीज में आपका स्वागत है। आज बनाते हैं चने की दाल दूधी के साथ। प्रोटीन और फाइबर का ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है। तरीका बहुत आसान है। चने की दाल को अच्छी तरह से धो लें और थोड़ी देर तक भिगोकर रख दें। दूधी को महीन महीन चॉप कीजिए और फिर इस दाल में दूधी डाल दीजिए। आवश्यकता अनुसार पानी डाल लें। चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए मैं कुछ ठंडे मसालों का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी, फिर धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और अब डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। अब हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक। आप सभी जानते हैं कि सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और हम दाल को पकने के लिए रख देंगे। एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कभी भी दाल को बहुत तेज़ी से ना बनाएं। मिनिमम सबसे कम धीमी आंच पर ही दाल को पकने दें, भले ही एक घंटे का समय लग जाए। बस इस दाल को पकने दें और तब तक चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। प्याज को महीन महीन चॉप कर लीजिए, टमाटर को छील लें और उसके बाद चॉप करें। टमाटर के बीजों को भी निकाल दीजिए। एक पैन में घी गरम करें, जीरे को अच्छे से मसलकर तड़का दे दीजिए। जब तक जीरा चटकेगा तब तक इसमें प्याज डालें और थोड़ी सी हींग डालेंगे, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी गैसकारी होती है। धीमे धीमे इसे भून लें, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इंतज़ार करेंगे। बीच बीच में चलाते रहें। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे, बीज नहीं डालेंगे, रस को डाल देंगे। आप चाहें तो इन बीजों को आपके गार्डन में सीधा डाल दें, जो भी मैच्योर बीज होंगे वे उगाएंगे। धीमे धीमे पकने दें। अब आपकी दाल को अच्छी तरह से घोंट कर देखिए, इसमें एक भी दूधी का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। अगर आपके बच्चे दूधी नहीं खाना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस दाल में दूधी है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो इस तड़के में मिर्च, लहसुन आदि भी डाल सकते हैं यदि आप खाते हैं, पर चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए मैंने मिर्च और लहसुन को अवॉइड किया है। दाल को डाल दें। मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके लगी हुई दाल को भी निकाल लिया। दाल को अच्छी तरह से घोंटते हुए मिक्स कर लें। तेज आंच पर एक बॉईल ले लें ताकि सभी फ्लेवर्स दाल में आ जाएं। मथाने से आप इसे और भी मैश कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है इस दाल की तासीर को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसमें अच्छे से बारीक कटी हुई धनिया और बारीक कटी हुई पुदीना डाल दें। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही स्वादिष्ट आता है। बस अच्छे से मिक्स कर लें और आखिर में सारे फ्लेवर्स को बांधने के लिए इसमें डाल दें एक छोटी चम्मच शक्कर। अच्छे से मिक्स कर लें। जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए हो उतनी देर तक दाल को उबाल लें और आपकी दाल दूधी तैयार है। खाइए, खिलाइए और हमें बताइए कैसी बनी ये रेसिपी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।